बागा पुराना दे नवे थाना मुखी जसविंदर सिंह सिद्धू वालों चिट्टे दे व्यापारी काबू किए गए हैं। दस दिए कि थाना मुखी का चार्ज संभालदिया उन्हां वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस राही चिट्टे का काम करन वालियां नूं सख्त ताड़ना की गई सी, जां तां उह चिट्टे का काम बंद कर दे जां अपना शहर बदल लैण, नहीं तां उन्हां खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके जेल भेज दिता जाएगा। जिस दे चलदिया पुलिस वालों आए चिट्टे दे व्यापारी फड़े गए हैं। इस मौके पुलिस स्टेशन बागा पुराना अंदर थाना मुखी जसविंदर सिंह वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी सांझी की गई है। बागा पुराना तो अज की आवाज़ ले टिंकू काठपाल की रिपोर्ट। इंस्पैक्टर साहब अज थोड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस सदी गई है, की मामला जी अपना? मानयोग SSP साहब जी के दिशा निर्देशों, मानयोग DSP साहब जी की रहनमई हेठ साढ़े बागा पुराना थाना की पुलिस जी घलूघर के संबंध में पूरी चौकसी तो इसे मद्देनज़र रखते हुए साढ़े ASC संतोख सिंह रात पेट्रोलिंग से सन, तो इन्होंने खुफिया इंफॉर्मेशन मिली कि यह जी गड्डी है 3 D 34 37 नंबर, ये नशा वेचण वाले जेडे तीन शख्स जेडे तुर फिर के आम तौर पर हीरोइन का काम करते हैं, तो उन्होंने इन्होंने बड़ी मुस्तैदी के नाल काबू किया। उन्होंने कब्जा के जोड़ा एक पॉलीथीन का लिफाफा जिद 100 ग्राम के करीब हीरोइन मिली और 300 के करीब जीडिया नशीलिया गोलियां 24,000 रुपया जी ड्रग मनी इन्होंने कोलों जी हासिल हुई है। सो असी इन्होंने खिलाफ जोड़ा मुकदमा नंबर 98/21/82 NDPS थाना बागा पुराना विखे दर्ज रजिस्टर कर दिता गया। सो अगे तफ्तीश जारी है। ये जोड़े बड़े समगलर ने, इन्होंने क्रिमिनल बंदे ने, इन्होंने उपर पहला भी लुटा खोह के मुकदमे भी ने, शराब के मुकदमे भी हैं। सो इन्हों बड़ी सख्ती ना लेंदे हुए असं इन्हों के खिलाफ सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई की है। सो सानू पिछली मैं जी कॉन्फ्रेंस की उस भी असी 50 ग्राम हीरोइन और काफ़ी ड्रग मनी 22-23 हज़ार रुपए के करीब उन्होंने हासिल की। उस तो बाद मैं मैसेज पब्लिक को दिता सी, सो सानू पब्लिक का जोड़ा सहयोग मिलना शुरू हो गया। सो मैं पब्लिक का धन्यवाद करना चाहना कि वो जोड़े सानू फोन करके दस रहे हैं कि फलाने थान हीरोइन है, पुराने थान जोड़ा समगलर है चिट्टा वेचता है। सो असी मद्देनज़र रखते हुए हरेक के असी जो खिलाफ़ कार्रवाई करा, जोड़ा भी शख्स हीरोइन बेचूगा या चिट्टा या कोई होर नशा वगैरह बेचूगा वो पूरा शिकंजा कसा जाऊगा, किसी को बख्शा नहीं जाऊगा। तो मैं पब्लिक को यही मैसेज देना चाहना, तो पब्लिक का मैं धन्यवाद भी करना चाहना। जय हिंद।